अपने बेटे से वसीयत करते हुए कहा, बेटा मेरे मरने के बाद पैरों में ये फटे पुराने मोज़े पहना देना, मेरी ख्वाहिश है मुझे कब्र में इसी तरह उतारा जाए। बाप का मरना था कि गुस्ल व कफन की तैयारी होने लगी। चुनांचा हज़्ब वादे बेटे ने आलिम दीन से वसीयत का इजहार किया, मगर आलिम दीन ने इजाज़त ना देते हुए फरमाया, हमारे दीन में मैयत को सिर्फ कफन पहनाने की इजाज़त है। मगर लड़के ने काफ़ी इसरार किया, जिसके बिना पर उलमाए शहर एक जगह जमा हुए ताकि कोई नतीजा निकल सके। मगर होना क्या था, लफ्ज़ी तकरार बढ़ती गई। इसी असनाए एक शख्स वारिद मजलिस हुआ और बेटे को बाप का ख़त थमा दिया, जिसमें बाप की वसीयत यूं तहरीर थी, मेरे प्यारे बेटे देख रहे हो कसीर माल दौलत, चाहवा हश्म बागात गाड़ी कारखाना और तमाम अमकानात होने के बावजूद इस बात की भी इजाज़त नहीं कि मैं एक बोसीदा मोज़ा अपने साथ ले जा सकूं। एक रोज़ तुम्हें भी मौत आएगी, आगाह हो जाओ कि तुम्हें भी एक कफन ही ले के जाना पड़ेगा। लिहाजा कोशिश करना कि जो माल व दौलत मैंने विरसे में छोड़ी है इससे इस्तफादा करना, नेक राह में खर्च करना, बेसहारों का सहारा बनना, क्योंकि जो वाहिद चीज़ कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी वो तुम्हारे आमाल होंगे।